ये कहानी की खास बात ये है कि एक्चुअली जब व्हेन आई वाज राइटिंग दिस फिल्म तो मैं आई वांटेड टू राइट अ फिल्म जो आज के यंगस्टर्स की लैंग्वेज बोलती है, आज के यूथ की लैंग्वेज बोलती है. एंड आज का यूथ बहुत ही बिंदास है, केयर फ्री है एंड यू नो फ्रैंक है, और उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ से. बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उनको भी प्यार हो सकता है, और जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है, मतलब देन दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट, प्यार या प्रैक्टिकल. तो यही एक थॉट था पिक्चर का. एंड मैं जब विजय जी से मिला भी था तो मैंने एक वन लाइन सुनाई थी उनको, तो अच्छी लगी थी उनको, बहुत एक्साइटिंग थी. एंड ही सेड हाँ लेट्स वर्क ऑन दिस, एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग इट एंड इट जस्ट केम आउट टू बी लवशुदा. एंड या इट्स अ फिल्म दैट शुड एंटरटेन पीपल, यंगस्टर्स, उनको बहुत अच्छी लगनी चाहिए. एंड या इट्स लॉट ऑफ फन एंड दैट्स व्हाट लवशुदा इज. शुरुआत में जानने में लोगों को टाइम लगता है, तो वैसे ही हमें भी लगा. बट हम ड्यूरिंग हमारे रीडिंग्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, डांस क्लासेस होते हैं, सो हम फ्रेंड्स बनते रहे. एंड वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल था ड्यूरिंग द शूट बिकॉज हम ऑलरेडी एक दूसरे को जान चुके थे. एंड या इट वॉज प्रीटी गुड. या आई थिंक शी सेड दैट थोड़ा टाइम लग गया इनिशियली बिकॉज इट्स नॉर्मल बिकॉज वी डिडंट नो, वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी आर्मी बैकग्राउंड and I'm from a film background, so it was little words apart, but as we got to know each other and did workshops, to chemistry ban gayi. बस यही फनी था. और क्या बोलते हैं कि बदकिस्मती थी कि जब मैं गाना शूट कर रहा था पीने की तमन्ना, तो मेरी आवाज़ चली गई. और ये सच है. और हमें मुझे 3 दिन के बाद 3 पेज का डायलॉग बोला था, और मेरी आवाज़ बैरली आ गई थी, और मैंने कैसे सीन कर दिया. एंड वी मैनेज टू कैन इट. ऐसे एग्जैक्टली फिल्म से रिलेटेड कुछ याद नहीं आता बिकॉज बहुत ही डिफरेंट फिल्म है. जब ही पहली बार स्टोरी सुनी थी तो ऐसे लगा था वाह कुछ नया सुनने को मिला है, और कुछ ऐसा अलग है, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरीज. एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और वैभव बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज दिस लवशुदा अबाउट एंड प्यार क्या होता है. तो शी सेड समथिंग, वैभव से समथिंग, एंड देन आई सेड यार इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वर्थ इट. एंड एट दैट मोमेंट वी वर लाइक ओके दिस इज द राइट, दिस इज व्हाट आवर फिल्म इज एंड दिस इज व्हाट लवशुदा इज अबाउट. एंड या जी हमेशा आप कोई फिल्म करते हो तो उसका एक्सपीरियंस काम आता है. आप ग्रो एज अ पर्सन, ग्रो एज एन एक्टर, तो डेफिनेटली यस बहुत काम आया. प्रभु साहब बहुत अच्छे टीचर थे एंड आई थिंक ही हैज टॉट मी अ लॉट एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम. नहीं मुझे लगता है ऐसे आप कैरेक्टर जाते हैं, और रमैया में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था, लड़का था, फन लविंग था, वेरी एक्सट्रोवर्टिश था, तो दैट वॉज विद द कैरेक्टर एंड दिस इज विद द कैरेक्टर बिन फॉर लवशुदा. अगर अगली फिल्म आएगी तो उसमें भी अलग हुआ. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.